है कि ई पॉस मशीन के माध्यम से राशन में काफी समय लगता है, जिससे लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, साथ ही नेटवर्क की भी समस्या आती है। इधर रायगढ़ में राशन दुकानों में ई पॉश मशीनों को तौल मशीनों से जोड़ने के बाद राशन आवंटन में आ रही दिक्कतों को लेकर बुधवार को जिले भर की राशन दुकान संचालकों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। राशन दुकान का संचालन संचालकों का कहना है कि तौल मशीनों की POS मशीनों से जो कनेक्टिंग है उसे खत्म किया जाएगा। POS मशीनों से तौल मशीनों के जोड़े जाने के बाद एक व्यक्ति को राशन आवंटन करने में 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है। साथ ही सर्वर की दिक्कतों की वजह से राशन आवंटन में भी देरी हो रही है। ऐसे में आए दिन राशन दुकानों में विवाद भी हो रहा है। ई पॉस मशीन से ऑनलाइन वितरण चालू हुआ वन नेशन वन कार्ड के तहत। ई पॉस मशीन में पहले से ही काफी समस्या थी, मतलब आज 6 महीना 7 महीना हो गया इसको चलते। मीडिया में भी खबरें प्रचारित रहती होंगी कि 10 बजे 11 बजे के बाद नेट बंद हो जाता है। तो क्या है, जो राशन विक्रेता है वो खाद्यान्न वितरण अपना कार्य ना समझकर जिम्मेदारी समझता है, और नेट नहीं चलने के बाद शाम को जब 6 बजे 7 बजे नेट चलता है तो लोगों के घर घर जाकर या मोहल्लों में जाकर मशीन वहाँ ले जाकर उनसे अंगूठा लगवाया जाता था, और अगले दिन सुबह उनको चावल वितरण करने की व्यवस्था बनाई गई थी। यू पी एस मशीन जब से आया है तब से लेके ना विक्रेता तो परेशान है, उसके साथ साथ हितग्राही भी बहुत परेशान है, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम रहता है। गरीब लोग कहते हैं कि हम लोग आज अपना काम से नागा करके आए हैं, अपना रोजी को छोड़ के आए हैं, और आज हमको चावल नहीं मिलेगा तो फिर कल हमको नागा करना पड़ेगा, फिर हमको 200-300 रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा, और उसके चलते वो लोग हमारे ऊपर आक्रोशित हो जाते हैं, कभी कभी तो गाली गलौज भी उतर जाते हैं। तबालों जिले के अर्जुना नगर में गुंडरदेही विधानसभा के मितानिनों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में संसदीय सचिव शकुंतला साहू और स्थानीय विधायक कुंवर सिंह निषाद शामिल हुए। विधायक कुंवर सिंह ने सभी मितानिनों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि गांव गांव में स्वास्थ्य सुविधा इन मितानिन के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार की योजनाओं को जन जन तक मितानिन के माध्यम से पहुँचाया जाता है, इसलिए इनका सम्मान किया जा रहा है। ललिता यादव, गुंडरदेही विधानसभा में मितानिनों का सम्मान किया गया है। आज मितानिन दिवस है और इस अवसर में सभी मितानिनों का सम्मान किया गया है। इसके लिए मैं गुंडरदेही विधानसभा के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव सम्मान्य कुंवर सिंह निषाद भैया जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जिन निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा में लगे रहते मितानिन बहनी मन के आज सम्मान समारोह भी रखे रहे हैं और मितानिन दिवस भी है। बहुत खुशी और प्रसन्नता ये बात के कि मोर एक निवेदन एक आग्रह स्वीकार करके पूरा गुंडरदेही विधानसभा के मितानिन बहनी मन आज नगर अर्जुंडा के एक लोकरंग परिसर में आइन अपन भाई के निवेदन स्वीकार करें, और सबले बड़े बात ये सौभाग्य की बात कि बहनी मन के सम्मान करे के अवसर मिले। इधर आदिवासियों के जननायक टट्टा मामा के जन्मस्थान बड़ौदा आहिर गांव में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी पहुंचने वाले थे। वहीं गांव में राहुल गांधी सभा को संबोधित भी करते हुए नजर आए। हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल ने राहुल गांधी की सभा का जायजा लिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है, जहां मध्य प्रदेश में आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन में यात्रा करते हुए नजर आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन की जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके
पति रावण वाड्रा और उनके बेटे रिहान के साथ यह पदयात्रा शुरू हो चुकी है। खंडवा जिले में ये पदयात्रा प्रवेश कर गई है। आप देख सकते हैं हुजूम के साथ ये पूरी यात्रा जो है चल रही है। भारी संख्या में लोग इस पदयात्रा में जुटे हुए हैं और लगातार राहुल गांधी जो है जनता से लोगों से संवाद करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो इस तिरंगे झंडे तो वेतन भुगतान में लेट लतीफी को लेकर भिलाई नगर निगम के कर्मचारियों ने आज दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन किया है। निगम के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर कर्मचारी